हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, व्हाट इज लिबरल नेशनलिज्म। ठीक है, तो वही आज हमारा टॉपिक है, व्हाट डज लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, कि लिबरल नेशनलिज्म एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो, मैं आपको बता रहा हूँ क्या कि लिबरल जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, दैट इज ए लेटिन वर्ड। वो एक लेटिन वर्ड से लिया गया और वो वर्ड क्या था, लिबर। ठीक है, द वर्ड लिबरल जो है, द वर्ड लिबरल जो है वो कहाँ से लिया गया है, वो एक लेटिन वर्ड से लिया गया है। कौन सा लेटिन वर्ड, लिबर से, जिसका मतलब क्या है, फ्री। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था खुली सोच वाले लिबरल्स होते हैं, तो खुली का मतलब क्या रहता है, फ्री। अब फ्री किस कंटेक्स्ट में, किन किन चीजों में हम बोल सकते हैं कि वो लोग फ्री थे। तो देखो, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, तो पहला, सबसे पहला फ्रीडम क्या है कि वो पर्सन जो है उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए लॉ, उन सबको इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए। ठीक है, द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। सारे के सारे लोग जो है, चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो, वो क्या होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। किसकी नजरों में, लॉ की नजरों में। जैसे हम अभी इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया में इक्वालिटी बिफोर लॉ है। अगर किसी ने कोई मर्डर किया है या किसी ने कोई चोरी की है, अब वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो किसी गरीब का बेटा हो, चाहे वो किसी अमीर का बेटा हो, चाहे किसी गरीब की बेटी हो या अमीर की बेटी हो, जिसने भी किया है, उनको सबको पनिशमेंट जो है वो बिल्कुल सेम ही मिलती है। किसी में भी कोई डिस्पेरिटी नहीं की जाएगी, कोई भी मतभेद नहीं रखा जाएगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है, गवर्नमेंट बाय द कंसेंट ऑफ द पब्लिक। गवर्नमेंट जो है वो किसकी मर्जी से बनाई जाएगी, कंसेंट ऑफ पब्लिक। किसकी मर्जी से, पब्लिक की मर्जी से। जैसे इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि किसकी डिमांड कर रहे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं किसकी, डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी में हमको पता है कि गवर्नमेंट जो है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, लोगों के द्वारा। ठीक है, और लोग ही उनमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हमारे खुद के होते हैं। तो अगला वही है कि वहां पे क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड डिमांड किया फ्री होने की, कि जो भी गवर्नमेंट है, आप गवर्नमेंट तो बन गई, लेकिन गवर्नमेंट जो मैंने सेलेक्ट कर लिया, जो मैंने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना लिया, उसको भाई पता भी होना चाहिए ना किसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो उसके लिए क्या होता है, हमारी बुक जिसको कहा जाता है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। तो लिबरलिज्म के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब इक्वालिटी बिफोर लॉ कह रहे हैं तो एक लॉ भी तो होना चाहिए, और वो लॉ क्या होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हम जो भी करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करेंगे, जो भी पनिशमेंट मिलेगी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मिलेगी, जो भी अवार्ड मिलेगा किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, फोर्थ डिमांड क्या थी उनकी, मतलब फोर्थ क्या मतलब है, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी क्या होता है, अनचेक्ड पावर्स। जैसे कि हम जानते हैं कि एरिस्टोक्रेट्स जो थे वो ऑटोक्रेट्स थे। ऑटोक्रेट्स मतलब, ऑटोक्रेट्स का मतलब क्या होता है, वो लोग जिनके ऊपर कोई लगाम नहीं होती, जिनकी पावर्स के ऊपर कोई चेक नहीं होता, जो अपनी मनमानी करते रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या चाहते थे कि एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी क्या होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। और क्लेरिकल प्रिविलेजेस क्या होने चाहिए, बिल्कुल खत्म होने चाहिए। अब आप पूछोगे क्लेरिकल प्रिविलेजेस क्या होते हैं, मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ अनचेक्ड पावर, अनचेक्ड पावर्स। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है भाई, अनचेक्ड पावर्स। ठीक है, और क्लेरिकल प्रिविलेजेस मतलब, देखो हम जानते हैं कि एक क्लर्जी क्लास थी। ठीक है, क्लर्जी क्लास मीन्स जब जो मतलब चर्च में काम करने वाले लोग, वहां के ओनर्स, उनको एक स्पेशल पावर दी जाती थी। ठीक है, उसको चेक करना, उस क्लरिकल प्रिविलेजेस को क्या होना, खत्म करना, कि चर्च के जो लोग हैं उनको कोई भी स्पेशल पावर्स नहीं दी जाएंगी, सारे के सारे क्या इक्वल रहेंगे। ऑटोक्रेसी खत्म करेंगे और क्या करेंगे, क्लरिकल प्रिविलेजेस को खत्म करेंगे। ठीक है, इनवायबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज जो है सबकी, वो उन जिसकी है उस पे उसका ही हक रहेगा। ठीक है, ये नहीं होगा कि कोई भी आर्टिकल इसमें बोल देगा ये मेरी प्रॉपर्टी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा लिबरलिज्म तो पढ़ लिया, लेकिन ये लिबरलिज्म जो है ये पॉलिटिकल स्फीयर में भी है और इकोनॉमिक स्फीयर दोनों में आना चाहिए, पॉलिटिकल स्फीयर में आना चाहिए और इकोनॉमिक स्फीयर में भी आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि पॉलिटिकल स्फीयर में लिबरलिज्म का क्या मीनिंग है और हमारा इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का क्या मीनिंग है। तो अगर मैं पॉलिटिकल स्फीयर की बात करूं, तो वहां पे बोला तो जा रहा है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ,
कि इक्वालिटी बिफोर लॉ तो है, लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं, दैट इक्वालिटी बिफोर लॉ डज नॉट नेसेसरीली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज देखो, अगर मैं आपको याद हो फ्रेंड्स रेवोल्यूशन, अब आप कहोगे कि सारे का सारा फ्रेंड्स रेवोल्यूशन ही बार बार याद करते जा रहे हैं, तो हाँ ये चैप्टर जो है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हमको बार बार उसी को रिलेट करके आना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या बता रहे हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपको याद था कि वहां पे जब डेमोक्रेसी बन गई, वहां पे भी जो राइट्स थे वोटिंग के वो सबको नहीं दिए गए थे। वो राइट्स किसको दिए गए, वो राइट्स दिए गए एक्टिव सिटीजन को। ठीक है, यानी वो लोग जिनके पास अपनी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और वो भी सिर्फ मेल्स, फीमेल्स को भी राइट नहीं था। यानी अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ हम बोल रहे हैं तो वो यूनिवर्सल नहीं थी वहां पे, मतलब वो भी किसी किसी लोगों को ही दी गई थी। कहने को तो यूनिवर्सल थी, अब यूनिवर्सल किस सेंस में हो गई है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों स्टेट के लोग वोट कर सकते थे, लेकिन उनमें से भी कौन लोग वोट कर सकते थे जिनके पास क्या थी, प्रॉपर्टी थी अपनी, ठीक है, और वुमेन वोट नहीं कर सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट, तो पॉलिटिकल स्टोरी में हमको बस इतना ही बताना है। अगर मैं इकोनॉमिक्स पर की बात करूं तो उसमें क्या पूछा गया था, इकोनॉमिक स्फीयर में फ्रीडम क्या था, इकोनॉमिक स्फीयर में हमारा लिबरलिज्म किस तरह से आ सकता था, कि फ्रीडम ऑफ मार्केट, मार्केट जो है वो क्या रहनी चाहिए, फ्री रहनी चाहिए, एंड एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कि फ्रीडम होना चाहिए मार्केट को, मार्केट में फ्रीडम होना चाहिए। अब फ्रीडम मींस किसी पे भी अननेसेसरी टैक्स नहीं होना चाहिए कि आप इसकी सेल नहीं कर सकते, इस पे सेल करोगे तो ये इसको मैन्युफैक्चर करोगे तो आपको थोड़ा टैक्स देना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ मार्केट होनी चाहिए, मार्केट फ्री, और वो फ्री होनी चाहिए किससे, स्टेट इम्पोज टैक्स से। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था, नेपोलियन ने इसको खत्म किया था, कि रीजनल टैक्स होते थे। अगर ये एक कंट्री है और ये उसमें अलग अलग रीजन है, तो एक पर्सन ने अगर यहाँ से यहाँ जाना है चीज को सेल करने के लिए, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से जाना है, तो हर हर एक जगह पे उसको अलग अलग टैक्स देना पड़ता है। ये क्या थे, स्टेट इम्पोज टैक्स। ठीक है, तो वो उन्होंने कहा कि इसको खत्म कर देना चाहिए। डिफरेंसेस इन वेट्स एंड मेजरमेंट एंड करेंसीज, तो डिफरेंसेस जो भी अलग अलग तरह की करेंसीज थी उनको खत्म करो। जो वेट्स जो है वो हर जगह रेगुलराइज नहीं हुए हैं, सारे के सारे वेट्स इक्वल नहीं है। मैंने आपको बताया था 1 किलो अगर यहाँ पे कुछ और है तो हो सकता है किसी और स्टेट में कुछ और हो, उस सबको इक्वल करना था। अगर वो इक्वल हो जाता तो हाँ ये लिबरलिज्म आ सकता था। ठीक है, थर्ड, हाँ करेंसी जो है करेंसी भी सेम रहनी चाहिए ताकि आपको एक्सचेंज में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। डिमांड ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, कि इकोनॉमिक टेरिटरी जो है वो एक ही रहनी चाहिए, यूनिफाइड मतलब एक, तो इकोनॉमिक टेरिटरी हमारी सेम रहनी चाहिए, उसमें ज्यादा ये ना हो कि एक यहाँ पे रही एक वहां पे रही, वो यूनाइट करके रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब था आपका क्या, पॉलिटिकल स्फीयर में और इकोनॉमिक स्फीयर में क्या, लिबरलिज्म। इसको टैकल करने के लिए एक एक कंसेप्ट आया, एक कमिटी है, एक यूनियन है, जिसको क्या कहा गया, जोलवेरियन। ठीक है, अपनी बुक में आप रीड करोगे इसके बारे में अच्छे से, मैं अभी आपको बिल्कुल थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ इसके बारे में, बाकी आपको इसके बारे में खुद रीड करना है, छोटा सा रोके के। क्या ट्रेड यूनियन, ये क्या थी, ट्रेड यूनियन थी, दैट मींस इज द मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या कर रही थी, ट्रेड यूनियन थी ये, हमारे लिबरल्स ने ट्रेड यूनियन की फॉर्मेशन की, जो कि क्या कर रही थी, जो कि मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स में ईज ला रही थी। इजीली क्या हो रहे थे, इजीली क्या हो रहे थे, ट्रेड हो रहा था। दूसरा, हमने अभी देखा कि वेट्स और मेजरमेंट्स जो थे वो इक्वल नहीं थे, तो इसने वो भी किया, इसने सबको इकोनॉमिक जोन को एक लाया, यूनिफाइड इकोनॉमिक जोन बनाई, और करेंसी जो थी, जो पहले 30 करेंसीज होती थी ऑल ओवर द यूरोप, उसमें वो 30 को रिड्यूस करके किसमें ले आए, दो ही करेंसीज वहां पे रह गई। तो 32 करेंसीज कितनी रह गई हमारे पास, 30 से हमारे पास 2 ही करेंसीज रह गई, ये था जोलवेरियन। ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, न्यू कंजर्वेटिज्म, न्यू कंजर्वेटिज्म। अब हम मैं आपको बताऊंगा कि ये होता क्या है, दोबारा से कंजर्वेटिज्म कहाँ से आने लग गया। कंजर्वेटिस्ट वैसे तो कौन लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जो पुरानी थिंकिंग रखा करते थे, जो कि बिलीव करते थे मोनार्की में। तो दोबारा से वो क्यों आने लग गई, क्या हुआ, नेपोलियन कहाँ गया, नेपोलियन और उसके जाने के बाद क्या क्या इवेंट्स हुए वर्ल्ड में, वो हम अभी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए घर बैठ के पढ़ो, गुड लक गाइस।